हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और बेतिया के मीना बाजार के बाद हम बेतिया के ही द्वार देवी चौक पर आ गए हैं। हम यहां करने आए हैं जन की बात, इस इलाके की जनता से जानने आए हैं उनके मन की बात, चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों पे वे वोट करने वाले हैं, वो किसे अपना सांसद के तौर पर चुनना चाहते हैं और देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं। तो आइए द्वार देवी की जनता से जानते हैं उनके मन की बात, शुरू करते हैं जन की बात। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो द्वार देवी का इलाका है ये मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है। ये बताइए कि अभी जब आप वोट डालेंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? वो तो वोट डालने ही पर पता चलेगा कौन से मुद्दे हैं। ये बताइए कि कौन सा नेता है जो आपको अच्छा लगता है? कौन सा नेता है, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। ठीक है, आपको कौन सा मुद्दा है जो प्रभावित कर रहा है? अभी तो कांग्रेस का है। आप बताइए। रोजगार, रोजगार प्रभावित करेगा आपके वोट? और क्या, विकास। अभी जो मौजूदा सांसद हैं उन वो कैसा काम किए हैं, उनके काम से आप खुश हैं? वो तो माली शहर के लिए तो जो अभी क्या कहते हैं खजुबंद रही मेडिकल कॉलेज का काम करवा रहा है, चाहे ओवर ब्रिज करवा रहा है, अभी तो यही चल रहा है और इसके आगे देखिए क्या हो रहा है। आपका वोट किसके साथ है? अब मेरा वोट किसके साथ का है तो समय ना बताएगा, अभी पहले कैसे बता दे क्लियर करके। नहीं, आपने कुछ सोचा होगा ना कि कौन, 5 साल के वक्त हो गए हैं, आपको मोदी जी सपने दिखाए थे अच्छे दिन के, तो अच्छे दिन आए कि नहीं? अब अच्छे दिन तो सबके लिए आया है, मेरे लिए भी आया होगा तो आया है। आया होगा तो क्या, आप अपने बारे में नहीं जान रहे कि आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? नहीं, मेरा अच्छा दिन तो नहीं आया है। तो आपका वोट किसके साथ है, एनडीए के साथ या महागठबंधन के साथ? महागठबंधन के साथ। महागठबंधन के साथ क्यों? अभी युवा मोर्चा चल रहा है तो अभी युवा पर ही तो भरोसा करेगा आदमी। ये बताइए कि आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? विकास के मुद्दों पर प्रभावित। विकास के मुद्दे पे। वो कौन है जो विकास कर रहा? अभी विकास के नाम पे तो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी को तो जो विरोधी पार्टी हैं वो कहते हैं कि पप्पू हैं वो। वो तो गलत बात है, सब कांग्रेस का जितना दिन है सब कांग्रेस का वोट जाएगा। कांग्रेस का दिन है कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो बिहार में सरकार बनी और उसमें कांग्रेस पैसा बिहार में दिया तो बिहार में उसके पैसा से पूरा फंड जो बना रोड नाली, ये कांग्रेस का दिन है। इसमें कोई भाजपा और नीतीश नहीं है, नीतीश जो भाजपा में थे उसमें इतना बिहार केंद्र सरकार कांग्रेस ने यहाँ पर पैसा भेजने के काम किया, जिस तरह मांगे नीतीश जी उस तरह कांग्रेस ने बिहार में पैसा टकला। ये टोटल कांग्रेस का देन है कि यहाँ बिहार में काम हुआ। बिहार में सुशासन है कि नहीं? हाँ, जाति का नाम पर जात लोग के लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटने जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान में सम्मिलित था ये लोग तोड़ना चाहते हैं भाजपा वाला। दारू बंद है कि नहीं? दारू बंद नहीं है, दारू उससे ज्यादा बेचारा है ना, नीतीश जी जो दारू बंद किए हैं उससे ज्यादा दारू पीकर लोग लोग अपने भाई भाई में सम्मिलन नहीं है, इस तरह ये लोग बांट दिए हैं। भाजपा सरकार जब से बैठी है भाई भाई को अमन चंद छीन लिया है, जो हिंदू मुसलमान बैठ कर एक साथ खा रहा है उसमें बड़ा विरोध पैदा भाजपा ने कर दिया। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि देशभक्ति के नाम पे हमको वोट दीजिए, एकदम नहीं, एकदम गलती बात बोल रहे हैं। अपना शौक पूरा किए हैं, गरीब का बच्चा चाय बेचने वाला इतना एक के विदेश घूमेगा, आज कोई में अमन चैन नहीं है। जब से बैठे हैं महंगाई का, ये बताइए, नेता के पास पैसा था, बंदिश किए तो नेता को नहीं धरे, जिसके पास माल था बड़े बड़े पूंजीपति उसको कोई नहीं धरा, जिसके पास 10 लाख 20 लाख रुपया उसको धर कर आइए काला धन ले आ रहे हैं। ये सब गलत काम किए, देश को बर्बाद कर दिए, एकदम बर्बाद कर दिए। देशभक्ति के नाम पे जो वोट मांग रहा है इसको आप कितना सही ठहराते हैं? इसमें ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है, बेदम। इसमें कोई ये बात धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, ये गलत है।
आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? मेरा रोजगार, देश विकास। वो कौन सी पार्टी है जो विकास और रोजगार पे काम कर रही है, या लगता है आपको कि काम करेगी? मोदी जी को तो देखे हैं, बीजेपी को देखे हैं, दूसरी पार्टी को भी देखेंगे। तो आपका वोट किसके साथ, महागठबंधन या एनडीए? मेरा वोट तो यहाँ के प्रतिनिधि के साथ है, जो यहाँ सांसद के प्रतिनिधि हैं। 25 साल से एक फैमिली रही हुई है, कोई काम नहीं किए, दूसरे को देना है, दूसरे को देना। ये कहे, ये बताइए कि जो संजय जायसवाल यहाँ के एमपी हैं, उनके बारे में अभी हम मीना बाजार में कर रहे थे लोग काम, तो लोग कह रहे थे कि बहुत काम किया है उन्होंने। मुझे नहीं नज़र आया। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? बताइए बताइए। हमारा वोट कांग्रेस में, महागठबंधन में, इसलिए कि यहाँ पे जो आपको पढ़ संजय जायसवाल का कोई रूप, जैसे बेतिया टाउन के हैं, यहाँ पे कोई सुविधा हम लोग के नहीं है। नाला वैसे ही है, रोड वैसे ही है, गली वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, कोई बढ़िया नहीं आया समय। हर आदमी परेशान है सर, हर आदमी परेशान। जिस तरह बेतिया के रहने वाले हैं, यहाँ पर विकास होना चाहिए, यहाँ आगे बढ़ना चाहिए, शीशा की तरह रोड लौकना चाहिए, शीशा की तरह सब शहर लौकना चाहिए, कुछ नहीं लौकता है। 15 साल ये रहे हैं, 15 साल इनका आप फादर रहे हैं, 30 साल में कुछ नहीं हुआ है। हमारे हिसाब से यहाँ के नेता बदलना चाहिए, बढ़िया नेता आना चाहिए, बढ़िया विकास होना चाहिए हर चीज़। कौन है वो नेता, कौन है जो आना चाहिए? वो नेता जो भी हो, यहाँ के लिए बढ़िया हो, जो भी आए वो बढ़िया है। आप बताइए आपका वोट किसके साथ और वो किन मुद्दों से प्रभावित होगा? हमारा वोट जो विकास कर रहा है, जो विकास किया है, स्थानीय सांसद ने 4 लाइन ओवर ब्रिज, 4 लाइन बनाए हैं, ओवर ब्रिज बनाए हैं, रेलवे विद्युतीकरण करवाए हैं, डबल लाइन करवाए हैं, पगनाहा पुल पास करवाए हैं, 15-20 अरब का कार्य करवाए हैं 2-3 साल के अंदर। तो हमारा वोट विकास के साथ है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी के साथ है। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? अरे हमारे, हम लोग तो गठबंधन को ही वोट देंगे, इसलिए कि बीजेपी ने जो किया है सारे गरीबों के लिए, बहुत परेशान किया, टैक्स लगाया, और आज तक जो काम वादे किए, नौकरी करने देने के लिए नौकरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, इसलिए हम लोग गठबंधन को वोट देंगे। बताइए आपका वोट किसके साथ? हम लोग गठबंधन के साथ हैं, शुरू से रहे हैं, रहेंगे। गठबंधन के साथ क्यों हैं, मतलब और किस वजह से? हम लोग बेतिया से जुड़े हुए लोग हैं और हम लोग विकास से, बेतिया शहर का विकास हो। 15 साल से हमारे माननीय सांसद महोदय हमारे पड़ोसी हैं, आज तक विकास ने नाली के पानी रोड पे रहता है। और विकास किसको कहते हैं, हमारे सांसद महोदय हमारे घर की तरफ जाते पानी लगा रहता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग चेंजिंग चाहते हैं कि विकास के नाम पर अगर मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे तो गलत है। हमारे बेतिया शहर से मतलब है, देश में कौन बैठेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बेतिया से मतलब है, चेंज होना चाहिए। ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए, देशभक्ति के नाम पे हमें वोट कीजिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं मुझसे कोई तुलना नहीं कर। हम बेतिया शहर के निवासी हैं, बेतिया के सांसद चेंज होना चाहिए, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। और राष्ट्रवाद में नाम पे वोट मांग रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। 70 साल मैंने गांधी परिवार से जो भी लोग रिलेटेड थे सारा अच्छा काम किया, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नया काम नहीं किए जिससे उनको सराहनीय कहा जाए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने 5 सालों में। गलत बात है, 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे लोग खुश हो। देश को 20 साल पीछे ले गए, आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा काम किए हैं, देश को 20 साल पीछे कैसे ले गए? कहाँ कुछ काम हुआ है? जातिवाद बढ़ गया है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम लड़ा दिया गया है, नोटबंदी हुआ, ये सब जमीन पे कुछ नहीं आया, सब हवा हवाई साबित हुआ। कह रहे नोटबंदी से देश को फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ, कुछ नहीं, गरीब तबके के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़े पूंजीपति लोग वैसे हैं और अच्छे हो गए, जितने भी गरीब लोग हैं उन लोग के बुरे दिन आ गए, किसी का अच्छे दिन नहीं आया यहाँ पे। आपका वोट किसके साथ? महागठबंधन के साथ। क्यों? अच्छा नेता है, अच्छा काम करेगा, इसीलिए 25 साल में कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, जो भी होगा महागठबंधन। राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करना है। आपका वोट किसके साथ? महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन के साथ क्यों?
महागठबंधन के साथ इसलिए है कि हम लोग का सारा एक भी कोई काम दूसरा नहीं हुआ, विकास यहाँ पर हो ही नहीं रहा है। आज देखिए बाजार से यहाँ से लेकर बस अट्ठा का रोड देखिए, जर जर इतना पानी लगता है, हम लोग मोहल्ला में इतना पानी लग जाता है, तो हमको ये देश से नहीं मतलब, हमको यहाँ से मतलब है। हमको बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, हुआ कहाँ है, कहाँ हुआ है ऐसा, कहाँ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा दिन नहीं आया आपके? नहीं नहीं, जुमलेबाजी है, अच्छा दिन नहीं हुआ, अच्छा दिन आया है, जुमलेबाजी है ये। उनका उनका छावनी में ओवर ब्रिज रोके हुए, ओवर ब्रिज उनके, इसके पहले उनके बाप उनके पिता 3 बार सांसद रह चुके हैं, कोई काम नहीं किए हैं, 3रा बार हैट्रिक उनका भी लग रहा है संजय जायसवाल का, कोई ऐसा विकास काम नहीं हुआ। उनके दरवाजे पे खुद गड्ढा हुआ है, वो खुद मेडिकल कॉलेज से जुटे हुए हैं, ऑलरेडी वो डॉक्टर हुए हैं, डॉक्टर रहते हुए उनके दरवाजे पे उनके माँ उनकी उनकी पत्नी उनकी उनकी ऑलरेडी वाइफ ठीक है, वो लोग सब कोई डॉक्टरी लाइन से जुटा हुआ है, कोई गरीब आदमी को वो लोग इलाज नहीं करता फ्री में जी, कभी भी इतना ना पैसा इतना ना अपना फीस बताता है लोग, गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में दौड़ने के लिए बेकाबू हो जाता है, उनका कोई दवाई काम नहीं करता है ठीक है। हैट्रिक उनके बाप मारे हुए हैं, हैट्रिक उनके बाप मारे हुए, वही जाके देखिए सिवान में, सिवान में 150 रुपया डॉक्टर का फीस है, 200 रुपया फीस है शहाबुद्दीन को जैसे, यहाँ क्यों नहीं इनके वजह से 150-200 रुपया फीस हो रहा है, क्यों 400 रुपया फीस हुआ है क्यों, और ये लोग सब और ये लोग 40,000 रुपया पर मंथली पर भी ड्यूटी करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हमारा 1 करोड़ रुपया मंथली देता है इन लोगों को, डॉक्टर को 1 करोड़ पर मंथ 1 करोड़ रुपया खर्च करती है सरकारी हॉस्पिटल में, इन लोगों का फीस देती है, लेकिन ये लोग प्राइवेट संस्था में खोल कर भी 400 रुपया लूट रहे हैं और 20 दिन पे इन लोगों को ड्यूटी कर देते हैं। ये डॉक्टर मेडिसिन लाइन से जुटा हुआ है ये संजय जायसवाल, क्यों नहीं पब्लिक के लिए बारे में सोच रहा है, क्यों नहीं गवर्नमेंट पब्लिक के लिए, ये संजय जायसवाल डॉक्टर है तो डॉक्टर लाइन से फीस क्यों नहीं 30 दिन के लिए करा रहा है और 200 रुपया फीस क्यों नहीं कर रहा है, यहाँ के जबकि गरीब गरीब का तबका लोग 400-300 रुपया डेली कमाता है ठीक है, तो दवा कहाँ से देगा और ये मेडिसिन के लिए दवा कहाँ से लाएगा और अल्ट्रासाउंड खून चेक पेशाब चेक कहाँ से लाएगा, ये बताइए। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, नहीं नहीं ये सिर्फ उन लोगों के लिए, ये नीरवा मोदी के लिए है ठीक है, ये नीरवा मोदी के लिए है, ये बड़ा बड़ा जितना उद्योगपति है जो भाग गए पैसा उनके लिए, गरीब के लिए नहीं है। ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं राष्ट्रवाद देशभक्ति के नाम पे मुझे वोट, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो सब नोटबंदी में सबको गरीब को मार दिए, एक चिप्स बनाने वाले MRP रेट फिक्स रखता है 10 रुपये में मेरा चिप्स बिकेगा, गरीब का क्या चीज़ फिक्स रह रहा है, आलू का दाम कोई फिक्स है, प्याज का दाम कोई फिक्स है, दाल का कोई रेट फिक्स है, गन्ना का रेट कोई फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है, एक पार्ले जी का दाम फिक्स है 5 रुपये में बिकेगा तो 5 ही रुपये में बिकेगा, लेकिन आलू 1.5 रुपये बिकेगा तो 1.5 रुपये में बिकेगा, टमाटर अगर 3 रुपये हो जाएगा तो 3 रुपये बिकेगा, क्यों क्यों नहीं गरीब का दाम फिक्स हो रहा है, हाँ किसानों का सवाल, हाँ बताइए बताइए बताइए। मोदी जी जीतने के बाद हमारा विकास चाहिए हमारा एरिया का, मोदी से मतलब नहीं है, मोदी जीतने के बाद विदेश में रहेगा वो का विकास करेगा, करेगा विकास नहीं करेगा विकास, आपका वोट किसके साथ, जहाँ पर सब लोग जाएगा वहाँ पर हम भी जाएंगे, सब लोग कहाँ जा रहा है, गठबंधन में देंगे, हाँ महागठबंधन में क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए वो बहुत काम करेंगे, मोदी जी कहे कि सबका साथ सबका विकास, नहीं हुआ सब लग रही है उनका बात, सब कुछ आज तक नहीं किए हैं, सब पब्लिक परेशान है उनसे, पब्लिक परेशान, हाँ अच्छे दिन नहीं है आपके, कहाँ है और बुरे दिन आ गया, आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा, आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा, किस वजह से आप किसी को वोट करेंगे, गठबंधन को करेंगे, गठबंधन को, हाँ हाँ गठबंधन को क्यों करना चाहते हैं वोट, हाँ क्यों, वो हमारे लिए सही है, सही है, मोदी हमारे लिए सही नहीं है, वो हम लोग सिर्फ परेशान किए हैं 5 साल बस और कुछ नहीं, मोदी जी परेशान किए हुए हैं, फिर मुझे हर मामले में, हर मामले में मुख्य मामले हर मामले में मोदी अच्छा कोई भी नहीं है, जातियों के ऊपर किए हैं, किस तरह से किस तरह से किस तरह से क्या किया है संजय जायसवाल, कहाँ किया होता दिखाइए हमको, बेतिया शहर में दिखाइए हमको,
बेतिया शहर में दिखाइए, कुछ भी नहीं किया, हम जानते हैं कुछ भी नहीं किया। बेतिया कहाँ कहाँ की है, क्या क्या तुम कर? अरे रक्सौल में किए हैं, रक्सौल में क्या, चनपटिया सुगौली सब में किए हैं। ओवर ब्रिज नहीं बन रहा है, ओवर ब्रिज मुसलमान लोग कट गयी, हिंदू लोग के नाम खाली, मुसलमान लोग के नाम खत्म, फिल्म साहब बा खोजोले नहीं की मिलत। आ मोदी सरकार से कितना लोग मुआ जन बंदी करके अब का करिए, अब इलेक्शन करके हम सारे घर और बैठ ले लियो, ये जीरो बैलेंस खुलवा के कह के जे रखवा के अरबों खरबों रुपये रख लन, का कर लन है काला धन ले आएंगे, क्या बोल काला धन आज ना गए कैसे, बहुत ईमानदार बनते हैं, क्या ईमानदार बनते हैं, छोटे तो सब तो आप हैं, कितने गरीब लड़की के 2,500 रुपये नहीं मिला तो मर गई, कितने उसके माँ लाइन में लगी रुपया के इलेक्शन में, उसके माँ लाइन में लगी, अब क्या करेगा सरकार हो, सरकार कह रहा कि सबका साथ सबका विकास, पूछना विकास होगा, अभी माल पहन के बढ़ गए विदेश के रुपया, जितना मंत्री रख लेंगे तो सुधर लेंगे बैंक में, कह रहे रुपये गल सुन कतल काला दिन निकलेंगे, सब आदमी 35,000 रुपया भेजेंगे, 40,000-70,000 भेजेंगे, आज जीरो बैलेंस खुला के कहे पी गए, अब कितना पियन विदेश जाते वहाँ रुपया देते हैं, कौन कौन फॉरेन कंट्री जाते रुपया देते हैं, कहे देते रुपया, हमारे हिंदुस्तान गरीब बा भिक मंगा बा तू ले जाएगा तो सही है, तो कहे बा कहा बाकर यहाँ। अच्छा ये बताइए मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं घर घर बात तो विकास करेंगे, और उसके बाद से हम देखते हैं कि नाला जामू के रोड पर पानी आ जाएगा, मोदी कुछ नहीं करेंगे, मोदी बोलते हैं कुछ करेंगे नहीं, मोदी से कोई नहीं बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कुछ करेंगे नहीं, कहते हैं कि ईमानदार है, मैं भी चौकीदार है, क्या चीज का चौकीदारी है, 15 साल से यहाँ पर उनका सरकती है, सांसद है, कोई काम नहीं है, जहाँ भी जाइए तहाँ रोड गड्ढा है, जहाँ भी जाइए, और लास्ट टाइम आया तो जगह जगह नाला कोड़वा करके रखे हुए हैं कि मैं विकास करा रहा हूँ, काम करा रहा हूँ, ये क्या काम है, अगर कोई कह रहा है कि मैं चोर हूँ तो मुझको सवाल का जवाब देना चाहिए, उसका डिटेल देना चाहिए कि ये चीज़ यह खर्चा हुआ है, आप तो कोई सवाल का जवाब देते नहीं हैं और लोगों से नारा लगवाते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार कैसे हूँ, अगर आप चौकीदार सही हैं तो आप सब किसी के सामने अपना रिपोर्ट रखते हैं और बताते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो उस वक्त मैं भी कहता कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं अब कह रहा हूँ चौकीदार आप नहीं हैं, आप चोर हैं, अगर चोर नहीं रहते तो आप पूरा कागज पूरे राहुल गांधी के मुंह पर फेंकते हैं, ये देखो ये चौकीदार का काम है, चौकीदार चोर है। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का हर शख्स हर कार्यकर्ता चौकीदार है, ठीक है अगर चौकीदार हैं तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर मैं चौकीदार हूं तो मेरा काम होता है कि मैं कोई सी घर का पहरा देता हूं तो उस मालिक का पूरा वफादारी से उसका पूरा सामान का डिटेल दूंगा, ये नहीं कहूंगा मैं मुझे कोई चोर कह रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा जो मेरे पीछे आदमी है वो भी चौकीदार है या चोर है, ये मेरा कहने का काम नहीं है, मेरा काम है कि मैं अगर चौकीदार हूँ तो पूरा कागज और पूरा उसका जो भी ब्यौरा है उसको हम दिखाएं, जनता को दिखाएं और समझाएं कि ये चीज और यह यहाँ से खरीद के लाया, ऐसे लाया, ये इसमें कोई किस्म का घोटाला या धोखेबाजी नहीं है। ये बताइए मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद देश की सुरक्षा के लिए, देश का हर जनता राष्ट्रवाद है, जितने भी लोग हैं हम सब राष्ट्रवाद हैं, हम देश में रहते हैं तो पहले मेरा फर्ज बनता है देश का रक्षा करना, और आपके कहने से और मेरे कहने से राष्ट्रवाद नहीं हो सकते, देश का बच्चा बच्चा राष्ट्रवाद है। ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे या जो भी हमें आंख दिखाएगा उसे हम घर में घुसकर मारेंगे, ये कहते हैं, अच्छा कहते हैं, इसके सपोर्ट में मैं भी हूँ, अगर वैसा बात है तो हमारे फौज को लड़ने के मौका क्यों नहीं देते हैं, हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, उस वक्त कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होता है, सब चीज़ होता है, तो जवान को पीछे क्यों किया जाता है, उसको जंग लड़ने के हुक्म अधिक दिया जाए, आदेश दिया जाए, कि हमने खुली छूट दे रखी है, खुली छूट में कहाँ उस पर कोई आदेश हो रहा है, वो तो बार बार मोटार दाग रहा है, कभी मेरा फौज वहाँ मर रहा है, कभी वहाँ मर रहा है, कभी यहाँ मर रहा है, कभी वहाँ मर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि मोदी जी को दोबारा आना चाहिए सत्ता में? अच्छा काम करेंगे तो जरूर आएंगे, और कोई कह रहा है हम चोर हैं, अगर हमको, मैं मजदूर हूँ, अगर कोई कह रहा है मैं चोर हूँ, मेरा मालिक कहे चोर हूँ, या कोई जनता का कोई भी आदमी कहे मैं चोर हूँ, तो उसको मैं अपना पूरा ब्यौरा दिखाऊंगा कि मैं चोर नहीं हूँ, ये नहीं कहूँगा कि मेरा जनता भी चौकीदार है, मेरा जनता भी चौकीदार है,
इसमें जनता की और मेरी क्या बात है? आप बताइए, आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित? मैं तो राहुल गांधी देने के लिए दूंगा। राहुल गांधी को क्यों? बढ़िया नेता है, वो भी बोलते हैं, बढ़िया नेता भी है। मोदी जी से अच्छे हैं? हाँ जी, वो कहते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं किसानों के लिए कुछ मैं भी करूंगा, 72,000 रुपया बोले हैं देने के लिए। कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं? नहीं, राहुल गांधी भी सही है। सही है, हाँ जी। तो आपका वोट राहुल गांधी के? हाँ जी, मैं राहुल गांधी के लिए। आप बताइए, आपका वोट राहुल गांधी को जाएगा? उसके गठबंधन को जाएगा? आप बताइए, राहुल गांधी को, गठबंधन को। राहुल गांधी को क्यों वोट करना चाहते हैं आप? वो अच्छा है, मोदी चोर है। मोदी चोर है? मोदी के कैसे कह रहे हैं आप चोर है? मोदी चोर ये है, बोला था काला धन लाने के लिए लाया। मोदी जी कह रहे हैं हम चौकीदार हैं। चौकीदार है, चौकीदार चोर है वो। हाँ, सब लोग कहता है चोर है। ये बताइए कि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तो क्या लगता है कि 5 साल के बाद अच्छे दिन लाए? अच्छा दिन हम लोग को देखने से तो कोई अच्छा दिन नहीं लग रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अपने लिए विकास, अपने विकास किया वो अपने लिए विकास। तो सुना आपने, बेतिया के द्वार देवी चौक की जनता की आवाज, यहाँ की जनता यहाँ के स्थानीय सांसद के कामकाज से बेहद ही नाखुश है। इनका कहना है कि पिछले 15 सालों से यहाँ के सांसद और उनका परिवार यहाँ के संसदीय सीट पे कब्जा तो जमाए हैं, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, खास करके यहाँ के लोगों का नली और गली को लेकर काफ़ी शिकायतें हैं। कैमरामैन नवनीत के साथ योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बेतिया। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।